कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त प्रेस से मुखातिब है। कॉन्ट्रैक्ट देने का कारण था कि अनिल अंबानी जी के पास जमीन थी। आपने ही ये बात उठाई थी ना, आपने कहा था, किसी ने कहा था कि राफेल सीओ है सेट। अब बात निकलती है कि अनिल अंबानी की कंपनी में डसॉल्ट ने 284 करोड़ रुपए डाला और उसी पैसे से अनिल अंबानी ने जमीन खरीदी। मतलब साफ डसॉल्ट का सीईओ साफ झूठ बोल रहा है। और बहुत बड़ा सवाल उठता है कि व्हाट इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। 8 लाख रुपए की कंपनी में जो कुछ नहीं कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, उसमें 284 करोड़ रुपए डसॉल्ट ने क्यों डाले, क्या लगता है आपको? इसको किकबैक कहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ किकबैक दैट हैज बीन गिवन टू मिस्टर अनिल अंबानी बाय डसॉल्ट, एंड दिस इज क्लियर एज डे। पूछिए, अंग्रेजी में भी बोल देता हूं। द डसॉल्ट सीईओ सेड दैट द रीजन एचएएल वाजंट गिवन द कॉन्ट्रैक्ट एंड अनिल अंबानी वाज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट वाज बिकॉज अनिल अंबानी हैड लैंड। Now it turns out that the land that Mr. Anil Ambani had was purchased for him with money that he got from Dassault. And for some reason, which is hard to understand, Dassault gave 284 crore rupees to a लॉस मेकिंग कंपनी विद अ वैल्यूएशन ऑफ 8,30,000। लॉस मेकिंग कंपनी, एंड सो दिस इज द वन ऑफ द मेनी ट्रेंचेस ऑफ मनी दैट डसॉल्ट हैज पेड इन किकबैक। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, लेट्स गो वन बाय वन, हर, यू एंड देन हिम देयर एंड देन वी। The government is still insisting that everything is above board. Are you still convinced that this is a huge scam and you can actually walk the talk on these allegations? No, one second. I don't understand what you're talking about here. Listen, yeah. One second. The Dassault CEO clearly said, okay, that Anil Ambani got the contract because of land. Correct? You said it. First of all, HAL has more land than is available here. Okay? Second, the land that Mr. Ambani was supposedly having was bought with the money Dassault gave them. Why is the Dassault CEO, number one, why is he lying? Who is he protecting? There's only one person the Dassault CEO is protecting, and that's the person who runs this country. That is Mr. Narendra Modi. So I don't understand what you're saying about walk the talk. This is clear cut, 100%. 284 crores has gone into this man's account, and for absolutely no logical reason other than a kickback. So I'm surprised you're even asking me this question. In fact, I'm shocked that you're asking me such a question. I'll come back to you. We'll have to give everybody one question. देखिए, राफेल इज ए ओपन एंड शट केस, एंड देयर इज ओनली वन मैन, एक ही व्यक्ति है
वेल एक्चुअली दो हैं, पार्टनरशिप है, अनिल अंबानी एंड नरेंद्र मोदी। आप मुझे समझाइए, लॉस मेकिंग कंपनी में 8,30,000 रुपए की कंपनी में 284 करोड़ किसलिए डाले गए? व्हाट इज लॉजिक? व्हाट इज द लॉजिक? व्हाई दे इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी एंड देन दैट मनी इज बीन यूज्ड टू बाय द लैंड एंड द डसॉल्ट सीईओ इज सेइंग लैंड, वेल यू बॉट इन द लैंड सो यू लाइड, देयर इज सम अदर रीजन। देखिए, हमारा काम आपको सच्चाई दिखाने का है। डसॉल्ट के सीईओ ने कहा, भैया हमारा कारण देने का कारण था कि उनके पास जमीन है, और हमने आपको प्रूफ कर दिया, मीडिया ने प्रूफ कर दिया कि देखिए जमीन कारण नहीं था, कोई और कारण था, क्योंकि जमीन तो डसॉल्ट ने खरीदी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अनिल अंबानी डिडंट पे फॉर द लैंड, डसॉल्ट पेड फॉर द लैंड। वन सेकेंड, यू विल हैव टू वेट, यू नो। और जो आपने इंक्वायरी की बात की, देखिए सीबीआई चीफ को हटाया गया एंड ऑब्वियसली सीबीआई चीफ वॉज लुकिंग एट दीज पेपर्स। इट इज ऑब्वियस दैट देयर इज इनफ मटीरियल इन द पब्लिक डोमेन टू नेल मिस्टर मोदी एंड द सीबीआई चीफ वॉज रिमूव्ड। सो क्लियरली इट इज अ कवर अप टेकिंग प्लेस। डिफेंस मिनिस्टर फ्लाइज टू फ्रांस, आफ्टर डिफेंस मिनिस्टर फ्लाइज टू फ्रांस, राफेल सीईओ सेज नहीं भैया देने का कारण था जमीन थी, और ये देखिए सच आ गया बाहर। और एक के बाद हंस रहे हैं आप, एक के बाद मगर लिखेंगे नहीं आप है? अच्छा आप लिखते हैं भैया? रणदीप जी इस साइड कैमरा लगाइए प्लीज आप, क्योंकि मतलब या मैं उस साइड जाके बैठूंगा, वही करना पड़ेगा। तो हाँ बताइए। यस सॉरी, वी ओ यू अ क्वेश्चन। Okay, so let me point out something to you. The government of India says pricing is top secret. Okay? Rafael, the Dassault annual report, and we can give you a copy if you want it, has the pricing in it. Is there? तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से दोहराया कि इस पूरी डील में, राफेल डील में सबसे ज्यादा फायदा जो पहुंचा है वो अनिल अंबानी को पहुंचा है, और ये पूरी साठगांठ थी मोदी सरकार की जिसके बाद इसे अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया गया। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि डसॉल्ट के जो कि राफेल बनाने वाली कंपनी उसके सीईओ तक झूठ बोल रही है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।